वो बर्बाद करने के लिए कुछ परिवारों ने जो है इसको खत्म करने का, आदमपुर में जो उनको तो जनता ने बड़े विश्वास के साथ विधायक बनाया था, विधानसभा में वो कभी गए नहीं, आवाज उन्होंने कभी उठाई नहीं। यहाँ पर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार आते रहे हैं, जितने भी धरना प्रदर्शन चाहे वो किसान यूनियन में किए, चाहे व्यापारियों ने किए, चाहे अनाज मंडी में हुए, चाहे बच्चों ने किए, सभी में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हमेशा यहाँ पर आना रहा है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी हमारा आदमपुर में इस समय पहुंच चुका है, जबकि बीजेपी के लोगों ने मजार में छोड़ते हुए कुलदीप बिश्नोई जी को छोड़ दिया है, ना यहाँ पर कोई भी बीजेपी का कोई नेता आकर उनके समर्थन में वोट की अपील नहीं कर रहा है। क्योंकि आदमपुर की जनता को भी ये पता है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका कोई भी लगाव आदमपुर से नहीं है, उनको बाहर रहना अच्छा लगता है, तो भारी वो हैं वो बाहर रहेंगे और हमारे उम्मीदवार यहाँ से विधायक बनकर यहाँ के कार्य करवाने का काम करेंगे। तो इस बार ये गढ़ तोड़ देंगे? गढ़ तो कांग्रेस का ही है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे अजका बनाई तो अजका से भी वो जीते। देखो ऐसा है जी, जनता पार्टी पहले वो कांग्रेस में थे और आदरणीय चौधरी भजनलाल जी हमारे आदरणीय नेता रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के ही वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से ही कुलदीप बिश्नोई जी बने, फिर वो कांग्रेस छोड़ गए, फिर अजका में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। पर चौधरी जयप्रकाश जी कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस के आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और मैं समझती हूँ कि आदमपुर की जनता न केवल यहाँ से विधायक बल्कि आने वाली सरकार में एक मंत्री के रूप में उनको जो है एक मजबूत कैंडिडेट के लिए वोट देने का काम। प्रदेश सरकार में फूट बार बार, कांग्रेस में फूट बार बार सामने आ जाती है। प्रदेश सरकार आपके मुंह से ठीक निकल रहा है, प्रदेश सरकार में पूरी तरह से फूट है, बीजेपी में फूट है, जेजेपी में फूट है, इनेलो में फूट है, प्रदेश सरकार के मंत्रियों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है और उनके पास देने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर जी की जो कार्य प्रणाली है उससे जनता दुखी है, उन्होंने बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, आदमपुर की जनता की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा, कोई घोषणा भी नहीं की कि मेरे को जिता दो, मैं यहाँ का विधायक बनूंगा, काम करूंगा। उन्होंने आदमपुर की जनता से पूरी तरह से प्रदेश की सरकार ने मुख मोड़ लिया है। ठीक है, अभी जो है अभी यहाँ पर एक हमारा कार्यक्रम बाल संबंध में आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे एक साथी हैं भाई सुरेश जी वाल्मीकि, उन्होंने वाल्मीकि समाज का एक कार्यक्रम हमारे आदमपुर में इस समय सुबह का रखा था। किन्हीं ऐसे अप्रयाशित कार्यक्रम कारणों की वजह से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ पर जाना पड़ा।